अर्नब गोस्वामी अपनी पत्रकारिता को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पहले के अर्नब और अब के अर्नब में काफी अंतर देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। रिपब्लिक टीवी से पहले अर्नब टाइम्स नाउ में पत्रकारिता करते थे। तब अर्नब सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते थे और सरकार के समर्थक बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की भी काफी आलोचना करते थे। आइए आपको दिखाते हैं। आज पता नहीं दाल तूर दाल के दाम क्या है और टमाटर कोई आम आदमी खा सकता है कि नहीं, मगर जब ये सब चल रहा हो तो बाबा रामदेव बहुत जोर शोर से कर रहे हैं रामदेव नूडल्स खाइए। इफ पतंजलि नूडल्स इज सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स फ्रॉम द FSSAI एज पर द FSSAI shouldn't we ask if they were a beneficiary of some largesse from someone within the government to sell the noodles? Or does no government official matter anymore when the person on the other side is Baba Ramdev? संतान जीवक बीज कहिए, संस्कृत वर्ड, नो वन सेकंड, संस्कृत थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, संस्कृत वर्ड फॉर चाइल्ड इज संतान। तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ये पुत्र जीवक बीज के नाम को यूज करके, जिससे आप खुद कह रहे हैं इससे भ्रम फैलता है। आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप इस जो ये हर्ब है जिसको बेच रहे हैं, इसका नाम बदल दीजिए, मास प्रोडक्शन कीजिए, डबल कीजिए और इसको पुत्री जीवक बीज करके आप मार्केट क्यों नहीं करते? नाम बदल दीजिए, पुत्र जीवक क्यों, पुत्री जीवक क्यों नहीं करते? नहीं, मगर इतने इस देश में इतने फीटिसाइड क्राइम्स होते हैं, इन्फेंटिसाइड क्राइम्स होते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं इस बात को, टू द लेमैन पुत्र जीवक बीज मीन सन बेरिंग सीड, यू आर मिसलीडिंग पीपल। रामदेव जी प्लीज अंडरस्टैंड। पर जब से अर्नब ने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी शुरू किया है, तब से एडवर्टीजमेंट के चक्कर में अर्नब गोस्वामी के बाबा रामदेव के प्रति तेवर ही बदल गए। जो अर्नब बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की आलोचना करते थे, वे अब खुद बाबा रामदेव की तारीफ करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्मॉल वर्ड ऑफ इंट्रोडक्शन, नोबडी वुड हैव थॉट 10 इयर्स बैक दैट दिस जेंटलमैन सिटिंग हियर who is a symbol of simplicity in his personal life would be saying that I will be the number one FMCG company in the country. Way over 10,000 crores their turnover, but the story is not in the turnover. The story is in the battle and the fight of Baba Ramdev. Your lifestyle is simple. You eat simple, you wear simple. So what motivates you if it is not personal wealth? What is making you do this? You are a man on a mission. I am very, very honored and humbled by what you've said. It means a lot to me. And more or less, I feel happy today that I could share the stage with you. यही नहीं, अपने प्राइम टाइम शो में बाबा रामदेव को बुलाकर उनके साथ योगा करना और योगा सीखना, ये सब भी अब अर्नब करते हुए आम ही पाए जाते हैं। अब जो है इधर तो आओ। हाँ, आप करिए। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। ये टिप्स लगाने चाहिए था। मैं 500 लगाता हूँ। ये से टिप्स लगाना, आप लगाइए। अरे नहीं आप लगाइए। नहीं, अगली बार करूँगा। थोड़ा पता तो लगे। हाँ चलिए चलिए। हाँ ये क्या? ठीक है, ऐसे ही चलो, स्टार्ट करते हैं। ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। मैं आऊँगा आपसे सीखूँगा। ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। स्वामी जी क्या ये? करूंगा तो इसको दबाओ। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके आज के दिन का प्लान क्या है। जिम बंद हो गया, आप तो योगा कहीं भी कर सकते हैं। जरा जिम्मेदारी और हिस्सेदारी के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और बताएं, इसके बारे में मोटिवेट कीजिए। स्वामी जी आप मेरे सवाल तो सुन लीजिए, मेरे सवाल जरा लंबे होते हैं, कभी कभी सुन लीजिए। तो आप तो सुन लीजिए, कोई सुनता नहीं है मेरे सवालों को आजकल। तो मेरा तो वो डिबेट आसन में करता हूँ, उससे मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्वामी जी आप इतनी जल्दी जल्दी डिबेट करते हो कि आपकी लंग कैपेसिटी ज्यादा है। और किसी को बोलने नहीं देता हूँ, तो मैं और जोर से बोलता हूँ, इतने जोर से बोलता हूँ कोई बोल ना पाए, उसमें इतनी एक्सरसाइज हो जाती है स्वामी जी, सच्ची बोलूं आपको। तो आपने देखा कैसे अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।